नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेल टेक वाटर। मैं हूं आपका दोस्त मधुकर कुमार। हम लोग किस तरह से क्वालिटी स्विमिंग पूल का निर्माण करते हैं, इसके लिए एक फुल वीडियो मैं लेकर के आया हूं। आप सभी लोग बने रहे हैं चैनल पे। इसमें हम मिट्टी की खुदाई से लेकर के स्विमिंग पूल में पानी भरने तक का वीडियो लेकर के आए हैं। इस स्विमिंग पूल की खुदाई करने के बाद इसके चारों तरफ ईंट की चिनाई कर दी गई, ईंट की दीवार खड़ी कर दी गई और नीचे आरसीसी कर दिया गया है 9 इंच का। उसके बाद इसमें एक जकूजी भी बन रहा है और स्विमिंग पूल दोनों साथ में है। उसकी प्लम्बिंग कर दी गई है, यहाँ तक कि प्लम्बिंग इसकी कंप्लीट हो गई है और इसके बाद इसका आरसीसी किया जाएगा। आरसीसी की भी हम लोग देखिए तैयारी कर रहे हैं। ये मिक्सर मशीन स्टार्ट कर दिया गया है और इसके बाद इसके ऊपर आरसीसी हो जाएगी। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, कई बार डीजल इंजन धोखा दे देती है। टेक्नीशियन दोबारा प्रयास करेंगे, ये प्रयास कर रहे हैं। बाबा रामदेव भी कहते हैं प्रयास करने से होता है। ये लोग प्रयास कर रहे हैं और लगता है इस बार ये सफल हो गए हैं। उचित रेशियो में सीमेंट कोर्स और कॉन्क्रीट का मिक्सअप कर करके आरसीसी किया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, ये मसाला तैयार हो करके इसको डिफरेंट जगह पे प्लेस किया जा रहा है। ये वाइब्रेटर चलाया जा रहा है ताकि हर जगह मशीन समान रूप से पहुँच जाए सरिये के अंदर से। इसमें हमेशा ध्यान रखा जाता है कि इस पूरे सरफेस पे समान रूप से, जो हमने एक मानक तय किया है कि कितना इसके अंदर कितने इंच मसाला जाना चाहिए, कितना इंच का आरसीसी होना चाहिए, उसका एक ध्यान रखा जाता है और उसके हिसाब से इसकी आरसीसी कर दी जाती है। आरसीसी करने के बाद फिर इसको समान रूप से प्लेन कर दिया जाता है, जैसे हमारे ये इंजीनियर कर रहे हैं। इस पर थोड़ा सा प्लेन करने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद हमने चारों तरफ की वाल भी इसकी इसी तरह से डाल दी और वाल के बाद इसकी सेटरिंग को खोल दिया है। अब आप देखिए कि आरसीसी चारों तरफ हो गई है। पुल हमारा मोटा मोटी 50% हमारे पुल का काम कंप्लीट हो गया है। ये हमने जहाँ पंप रूम बनाना है वहाँ तक पाइप को एक्सटेंड कर लिया है। आप पीछे देखे होंगे तो यहीं तक पाइप थी और ये हमारा बैलेंसिंग टैंक बन रहा है। ये ओवरफ्लो पुल है इसलिए बैलेंसिंग टैंक ज़रूरी है, तो ये हमारा बैलेंसिंग टैंक के लिए खुदाई चल रही है। खुदाई पूरी होने के बाद चारों तरफ वॉल खड़ी कर दी गई है और इस वॉल के साथ साथ अंदर से सरिया बांध करके 6 इंच का आरसीसी कर दिया। आरसीसी होने के बाद सबसे हमारा महत्वपूर्ण काम रह जाता है इसकी वाटरप्रूफिंग को करना। इसके बाद हमारा स्विमिंग पूल का और इस बैलेंसिंग टैंक दोनों का वाटरप्रूफिंग करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ प्रेशर ग्रेनाइटिंग किया जाएगा। प्रेशर ग्रेनाइटिंग में एक तो क्या होती है कि उसमें 1.5-2 इंच ग्रेनाइटिंग होती है तो थोड़ी सी मजबूती भी आ जाती है और इसमें जो इस्तेमाल होता है फाइन सैंड का मिश्रण होता है, जो ये लोग देखिए अभी ये धुला हुआ सैंड होता है जिसको वॉश कर करके इस बकेट के अंदर डाल देते हैं और यहाँ से प्रेशर से उसको जो है दीवार के ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है। मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें ये पेस्ट किया जा रहा है। ये जो पाइपलाइन दिख रही है, इस पाइपलाइन से बहुत अधिक प्रेशर में एयर और ये मिश्रण निकलता है और इस तरह से यहाँ पर ये पेस्ट हो जाता है, चिपक जाता है। इसी को हम लोग प्रेशर ग्रेनाइटिंग कहते हैं। वाटरप्रूफिंग के साथ ये स्ट्रेंथ भी देता है। वैसे आज मार्केट में वाटरप्रूफिंग का कई मॉड अवेलेबल है लेकिन ये बहुत ही पुराना मॉड है और काफ़ी ये सुरक्षित माना जाता है स्विमिंग पूल के लिए। वाटरप्रूफिंग कर दिया गया है, फिनिश हो गए। उसके बाद हमने इसके ऊपर पानी भर दिया सूखने के बाद। पानी भर करके इसमें ये सामने देखिए कॉर्नर में आपको एक पॉइंट दिखेगा जिससे हमने मार्क कर दिया है कि ये पानी घटता भी है। हालांकि ये पानी नहीं घटा, हमने चेक कर लिया है। इसके बाद हमने इसके आउटर एरिया में ओवरफ्लो चैनल और स्विमिंग पूल के इंटरनल एरिया में इससे कनेक्टिंग जो सामने की वॉल है इसमें फाउंटेन है, कैस्केड है 5, वो 5 कैस्केड लगा दिया गया है और सेंटर में जकूजी है। राइट और लेफ्ट में स्टेयर्स है जो हमने निकाल दिया है। अभी तक यहाँ तक की कंस्ट्रक्शन पूरी हुई है। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट करके मुझे बताएँ, लाइक करें, शेयर करें। जैसे ही ये हमारा स्विमिंग पूल कंप्लीट हो जाएगा इसकी फुल वीडियो फिर से एक बार लेके आऊँगा। धन्यवाद।